ही नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक आरजे 35 मोटर वाइंडिंग नॉलेज चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जो है हम जो एक इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज चक्की का, तो ठीक है इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वायर जो है मोटर के अंदर से आए हुए हैं, 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के और 2 हमारे क्लच के। तो उनका जो है हम एक 25 mFD रनिंग कैपेसिटर और 200-250 mFD स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो कनेक्शन है वो किस तरीके से जो है इसमें किया जाता है, तो उस बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस कनेक्शन को करने के लिए सबसे हमें पहले जो पता होना चाहिए कि हमारा जो क्लच का कनेक्शन है 2 वायर कौन से हैं। ठीक है, तो ये 2 हमारे जो क्लच के वायर थे उनको हमने जो है अभी साइड में कर दिया है। तो सबसे पहले हमें जो है इसमें मोटर में जो एक कॉमन बनाना है, तो हम पहले जो है इस साइड का रनिंग और इस साइड का एक स्टार्टिंग को आपस में शामिल करेंगे, तो उसको जो है हम कॉमन बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है एक हमारा कॉमन हो गया, तो इसको हम जो है इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हैं आप, लेकिन हम इस पॉइंट पर अभी लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक स्टार्टिंग और एक रनिंग प्लस 2 हमारे पास जो क्लच के वायर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अब हमें लेना है एक हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक जो है रनिंग कैपेसिटर। ठीक है, तो इनका जो एक एक वायर दोनों का एक कर देना है इस तरीके से। ठीक है, इनका एक एक वायर अभी हमने एक कर दिया है इस तरीके से। अब इसको हमें लगाना है हमारे रनिंग वाले वायर पर। ठीक है, इसको हमने लगा दिया रनिंग वाले वायर पर। ठीक है, अब जो हमारा जो रनिंग का कैपेसिटर है 25 mFD का, तो इसका एक और वायर लेकर हमें स्टार्टिंग वाले वायर पर लगा देना है। स्टार्टिंग जो हमारा वायर लगेगा, स्टार्टिंग कोयल का जो वायर जो बाहर आ रहा है वहाँ पर लगा देना है। अब हमारे पास बचा है एक जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ठीक है, इसका वायर सही से निकाल देते हैं हम। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक और वायर है इसको हमें कहाँ लगाना है। ठीक है, तो इसका एक्यूरेट कनेक्शन के लिए आपको जो क्लच के हमारे 2 वायर हैं वो खोल लेने हैं इस तरीके से, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायर है वो हमें क्लच के दोनों वायर में से किसी भी एक वायर पर इस तरीके से लगा देना है। और जो क्लच का हमारा सेकेंड वायर है वो हमारे स्टार्टिंग के जहाँ पे हमने रनिंग का कैपेसिटर डायरेक्ट लगाया है वहाँ पर लग जाएगा। स्टार्टिंग जो अंदर कोयल से आने वाला स्टार्टिंग जो सेट है हमारे उसके वायर पर। ठीक है, इस तरीके से जो है कनेक्शन हो गया। अब हमें जो है इसमें सप्लाई देनी है, तो सप्लाई हमें फर्स्ट जो है हमारा एक जो हमने कॉमन बनाया था, ये जो हमने इस जो इसका स्टैंड है स्क्रू लगाने का वहाँ पर लगाया था, तो एक हमें सप्लाई यहाँ पर देनी है। और सेकंड जो हमारी सप्लाई होगी जो फेज न्यूट्रल की, वो हमें एक रनिंग वाले पॉइंट पर देनी है जहाँ पर हमने स्टार्टिंग और रनिंग का जो एक वायर आपस में मिलाकर लगाया था रनिंग में। ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी सप्लाई देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो प्रॉपर 100% ये एक्यूरेट काम करता है। ठीक है, और इस जगह हो सकता है कि आपका जो इसमें क्लच ना हो और आप जो है स्विच लगाना चाहते हैं, तो ये स्विच में भी 2 वायर होते हैं और आपके क्लच में भी 2 वायर होते हैं, लेकिन कनेक्शन सेम होगा। स्विच का एक वायर यहाँ से होकर एक वायर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके स्विच का कनेक्शन भी हो जाएगा। दोस्तों इसको अगर हम टेस्ट करें और ये मोटर जो है उल्टा चले, तो उल्टा चलने के सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो उल्टा चलने के सिचुएशन में आपको जो है ये कॉमन वाला वायर निकालना है, जो कॉमन एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का जो कॉमन बनाया हुआ है, तो इसमें से आपको जो है स्टार्टिंग वाला वायर और ये स्टार्टिंग वाला वायर आपस में एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, बाकी ये दोनों जो कैपेसिटर और क्लच वाले जो है वहीं के वहीं लगेंगे, और जो स्टार्टिंग है वो आपस में एक्सचेंज कर देना है, जिससे आपका मोटर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है कनेक्शन
आपको करना है ताकि आपका मोटर जो है सीधा चले। दोस्तों हमारे जो एक सब्सक्राइबर थे एलिश पटेल जो गुजरात से, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या हम जो है ऊपर के जो ये वायर मेन सप्लाई के फेज न्यूट्रल के जो वायर हैं उनको अगर ऐसे फेर बदल कर दे तो क्या मोटर उल्टा चलेगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी जो डोमेस्टिक लाइट होती है वो फेज न्यूट्रल से जो है सीरीज बनाती है, ना कि फेज न्यूट्रल। थ्री फेज में ऐसा होता है कि वायर पलटने पर जो है आपका जो चक्कर है मोटर का वो चेंज होता है, लेकिन सिंगल फेज में ऐसा नहीं होता है। ठीक, किसी भी साइड आप कोई सा भी लगा सकते हैं। कॉमन में आप चाहे तो न्यूट्रल लगा सकते हैं, कॉमन में आप चाहे तो फेज लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग इस कनेक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।